Hey everybody, welcome back to our channel. मैं हूँ नेहा, कैसे आप सब? तो today we are here with राम सेतु official trailer and in this we have अक्षय कुमार sir and only in theaters from 25th October 2022. तो राम सेतु का trailer आ गया है और हमने teaser देखा है इसके पहले. तो concept and pretty मतलब कुछ अच्छा सब कुछ था, लेकिन let's see मतलब कैसा होने वाला है ट्रेलर, क्योंकि इतने टीजर से तो हमें कुछ इतना ज्यादा तो मतलब पता नहीं लगने वाला है. तो आई होप सो कि ये राम सेतु का जो ट्रेलर है अच्छा हो एंड ऑल क्यूर एंड ऑल्सो मतलब अगर बात किया जाए तो राम सेतु तो ये बहुत ज्यादा लाइक बच्चों से लेकर बड़ों तक लाइक एवरी वन नोज अबाउट राम सेतु और बहुत ज्यादा सेंटिमेंट भी जुड़े हैं. तो उससे तो देखेंगे मतलब ऑडियंस के सामने ये कैसा होगा और हाउ ऑडियंस विल लाइक इट और हाउ वी विल लाइक इट. So, चलो देखते हैं हाउ दिस राम सेतु द ट्रेलर इज गोइंग टू बी. चलिए देखते ये देश राम के भरोसे चलता है. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राम सेतु को तोड़ने की इजाजत मांगी है. इस भरोसे को चुनौती कैसे दोगे? मेरे ख्याल में एक आदमी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा फॉर एन आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन टू राम सेतु. मेरा काम है इतिहास की परत को खोलना. इतिहास का मतलब समझते हो? इट दस अपन. जिस दुनिया में एक साल पुरानी सड़क भी गड्ढे में खो जाती है, वहां 7,000 साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? एपी नोस राम सेतु लाइक बैग ऑफ हैंड. उन्होंने हमें मरने के लिए इस मिशन पे भेजा, लेकिन सच को सामने आने से कोई नहीं रोक सकता. ओह माय गॉड. दुनिया में श्री राम के लाखों मंदिर हैं, पर सेतु सिर्फ एक. दिस वन लाइक अगर सच्ची में लाइक लिटरली टॉकिंग अबाउट दिस वन, आई लाइक द ट्रेलर. मतलब अगर देखा जाए तो जैसे उन्होंने एक स्टोरी बिल्डअप किया है इसमें, आई लाइक द वे दे हैव बीन बिल्ड द स्टोरी एंड सब कुछ हमारे सामने यहाँ पे रखा गया है. तो मतलब जो सेतु है राम सेतु को, तो वो तोड़ने की यहाँ पे दे हैव बीन मतलब ऑर्डर दिया गया है एंड ऑल द थिंग्स. तो उसके बाद उसको बचाने के लिए एंड हाँ तो उसको बचाने के लिए अक्षय कुमार सर को मतलब यहाँ पे भेजा गया है टू नो एंड मतलब ये सारे चीजें एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग. लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि वो जो रिसर्च कर रहे थे, तो वो ढूंढ रहे थे राम सेतु को. वो जो एडवेंचर यहाँ पे दिखाया गया है ना इनसाइड द फॉरेस्ट वाटर एंड ओशन, वो जो एडवेंचर यहाँ पे दिखाया गया ना, वो एक मतलब आई एम जस्ट फीलिंग सो नाइस बाय वॉचिंग दैट. मतलब एक आंखों को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब दिस मतलब मूवीज में कुछ लाइक सीक्रेट कुछ ट्रेजर ऐसा छुपा है जो मतलब हमें देखने को मजबूर कर रहा है. एंड यहाँ पे द सूट बनाते वक्त वो जो शिप पे वो दिखाया था, वो सूट थोड़ा और थोड़ा रियलिस्टिक होता तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ नाइस वन. एंड यहाँ पे बात करें कि वो जैसे अंदर जा रहे हैं इनसाइड दैट मतलब और मतलब वो एडवेंचर में जहाँ दिखाया उन्हें गुफा में गए थे और वहाँ पे वो वाटरफॉल हाँ तो शायद वो बीच बीच में से वाटर मतलब वो सेतु के अंदर से या मतलब ऐसा कुछ सब कुछ दिखाया गया दिया था कि वो सेतु के अंदर क्या है एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, व्हाट इतिहास क्या छुपा हुआ है एंड ऑल. एंड ऑल्सो वहाँ पे एक इतना बड़ा सा आई गेस एक मूर्ति था जहाँ पे लाइक दे हैव बीन स्टैंडिंग, वो तो एकदम यार
मतलब ये बात नुसरत जी ऑल्सो देंगे नुसरत जी, सो मतलब यहाँ पे बोला है कि 10 साल जो भी बीते उस वो चीज़ का मतलब कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, ये तो इतने साल हो गए, तो हाउ यू कैन फाइंड इट एंड ऑल द एविडेंसेस एंड ऑल काइंड ऑफ अ थिंग। तो यहाँ पे जैसे उसके बाद ऑल द एडवेंचर यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है, तो आई एम जस्ट लाइक लविंग दैट। अगर सच में बोलूँ तो जो टीजर और ट्रेलर में यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है, इट इज लाइक सो मच। जैसे टीजर में सिर्फ फाइटिंग काइंड ऑफ अ थिंग यहाँ पे मतलब, और जो लास्ट में सिर्फ वो सेतु दिखा रहा है उतना ही था। एंड इन दिस ट्रेलर आई लव्ड इट, मैं सच में बोल रही हूँ मुझे पसंद आया। मैं एक्सपेक्टेशन ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आई थी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन मेरे थे उससे अच्छा निकला है ये ट्रेलर। एंड जो यहाँ पे दे हैव बीन लाइक एट द लास्ट में जो बोला है कि हमें यहाँ पे सेतु को बचाने के लिए ना, हमें यहाँ पे मारने के लिए भी जगह है एंड ऑल। तो एंड लास्टली वो अक्षय कुमार सर लाइक सेतु का आई गेस वो मतलब दैट अगेन एक पार्ट पकड़ के ही हैज बीन वॉकिंग ऑन द सेतु ओवर देयर, वो एक इनक्रेडिबल थिंग था। लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि कैसा क्या मूवी होगा। एंड इट इज गोइंग टू बी ऑन द दिवाली के दिन ही इट इज गोइंग टू बी रिलीज ऑन 25th of October। तो देखें कि कैसा क्या होगा। मुझे तो अगर आई फेल लाइक रियली से आई लव द ट्रेलर, द वे दे हैव बीन शो लाइक स्टार्टिंग से द एडवेंचरस थिंग्स दे हैव बीन शो टू अस, दैट इज लाइक सो नाइस। एंड और वो जो लाइक मूर्ति या मतलब वो स्टैचू जो दिखाया गया है इन साइड द गुफा, मतलब गुफा के अंदर मतलब एक ऐसा लंबा सा स्टैचू मतलब भगवान का, दैट वॉज सो नाइस, दैट वॉज लाइक इनक्रेडिबल टू वॉच। मतलब अभी देखेंगे कि कैसा क्या होगा। मुझे अगर मतलब फुल ऑन एडवेंचरस लग रहा है, सारे सीक्रेट्स जो है तो मतलब जो हमें पता लगने चाहिए या मतलब जो सीक्रेट्स हैं हमें जो पता नहीं है वो सीक्रेट्स मतलब अभी हमें पता चलेंगे और कैसा क्या हुआ होगा। मे बी थोड़ा हिस्ट्री भी मतलब हमारे सामने आएगा। और लाइक लिटरली मतलब सेइंग राम सेतु, बहुत सारे लोग मानते हैं कि राम सेतु है, लेकिन बहुत सारे मतलब ऐसे लाइक एविडेंसेस के साथ एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग, थोड़े लोग उनको मतलब ये भी है कि दैट इट इज देयर और नॉट देयर, मतलब ऐसे बहुत सारे थिंग्स है। लेकिन देखिए अभी कैसा क्या होगा। राम सेतु आए तो लव द ट्रेलर, तो अभी ये देखना बाकी है कि ऑडियंस कैसा लेगा, मतलब ट्रेलर ये वो थिएटर में कैसा चलेगा। और इसका थोड़ा VFX के बारे में थोड़ा बात किया जाए, ग्रीन स्क्रीन वॉल काइंड ऑफ VFX थोड़ा और थोड़ा डेवलप किया जाए तो मतलब एकदम मूवी छा जाएगा भाई साहब। अगर मतलब सच में बोलूँ तो, क्योंकि वो जो प्लेन वाला एक सीन था एंड वो जो जैकेट सूट पहन के हमारे अक्षय कुमार सर अंदर जाते हैं पानी के, तो वो थोड़ा वेबिक अच्छा किया जाता है, फुल ऑन ट्रेलर जबरदस्त था मैं सच में बोल रही हूँ। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसा और वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। Thank you.